वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें गिवन है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट पी क्यू आर एस दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स और यहाँ पर हमने इन मिड पॉइंट्स को जो है आपस में ये ज्वाइन किया है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। सो वी हैव टू प्रूव दिस एस आर लेंथ इट इज पैरेलल टू ए सी और ये एस आर जो है ये हाफ ऑफ ए सी भी होगा। सेकेंड वी हैव टू प्रूव पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ये हमने जो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से जो एस आर की लेंथ है और जो पी क्यू की लेंथ है ये इक्वल होगी, है ना। दैट्स वी हैव टू प्रूव। एंड ये जो रैंडम क्वाड्रिलेटरल है इसके मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया है तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो बेसिकली वी हैव टू प्रूव कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें उसमें साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमेशा आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। सो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ के लिए विल कंसिडर योर ट्राइंगल ए डी ए सी, दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग हियर। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। तो ये एस एंड आर दीज आर द मिड पॉइंट्स एंड दस वेन वी आर अप्लाइंग मिड पॉइंट थियरम, that is when we are joining midpoint of two of the sides, then that length will be parallel to the third side and will be half of the third side. तो यहाँ पर जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल भी होगा एंड एस आर विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए सी एंड दिस इज वट वी हैड टू प्रूव इन आर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं जहाँ हमें प्रूव करना है एस आर एंड पी क्यू की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो उसके लिए वी आर कंसिडरिंग ट्राइंगल ए बी सी हियर। ट्राइंगल ए बी सी इज दिस पिंक ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लगाया था। सो विल से यहाँ पर पी एंड क्यू दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लेंथ ए बी एंड बी सी। क्योंकि ये दो ट्राइंगल के टू ऑफ द साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं सो एज पर मिड पॉइंट थियरम वेन वी आर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑफ द साइड्स then that length will be parallel to the third side and will be half of the third side. तो पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल भी है और पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ भी है। बट अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें तो आपका एस आर जो है वो भी ए सी के पैरेलल है और एस आर जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इनको अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे सो विल गेट दैट PQ and SR they are equal because both are equals to half of AC and PQ is parallel to SR because both are parallel to AC. दोनों ही length SR and PQ वो AC के parallel है तो वो आपस में भी parallel होंगी। और यहाँ पर जो है हमारा जो second part prove करना था that we are getting that PQ equals to SR. Third part where we have to prove PQRS is a parallelogram. So we know that in any quadrilateral, when a pair of opposite sides are equal and parallel, यहाँ पर अगर आप देखेंगे PQ and SR, they are equal and they are parallel. So any quadrilateral where one of pair of opposite sides are equal and parallel, then that figure is always a parallelogram. And thus PQRS is a parallelogram. And that's what we had to prove, hence proved. चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी भी रॉम्बस में अगर आप साइड लेंथ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं देन द फिगर फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। और इसको हम दो स्टेप में प्रूव करेंगे। पहले हम प्रूव करेंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, फिर हम प्रूव करेंगे कि इसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड देन विल कंक्लूड दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल।
सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. विल स्टार्ट विद वर्ड्स गिवन टू अस. गिवन इज ए बी सी डी जो है वो रॉम्बस है, एंड पी क्यू आर एस जो है वो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं. और हमें जो प्रूव करना है दैट इज वी हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. तो यहाँ पर हम पहले एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे. दैट इज विल जॉइन ए सी हियर एंड विल जॉइन डी बी हियर. इनफैक्ट ये जो डी बी लेंथ है दिस विल नीड लेटर ऑन, तो इसको अभी प्रेजेंटली हम एलिमिनेट कर देते हैं. लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट. सो प्रूफ के लिए विल फर्स्ट कंसिडर द ट्राइंगल डी ए सी, दैट इज दिस येल्लो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग. इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट आर है और पॉइंट एस है ये मिड पॉइंट्स हैं साइड लेंथ के. एंड वी नो दैट वेन वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन इट इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड. दैट इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल भी होगा और ए सी का हाफ भी होगा. सेम वे नाउ लेट्स कंसिडर द ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज दिस पिंक ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग हियर. इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा. जो पी एंड क्यू है दिज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑफ द साइड लेंथ्स, एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं. वी नो कि एस आर और पी क्यू दोनों ही ए सी के पैरेलल हैं और दोनों ही ए सी के हाफ हैं. सो वी कैन से कि जो एस आर और पी क्यू हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं. एंड एनी क्वाड्रिलेटरल जहां पर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना, इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो है दैट इज ऑलवेज अ पैरेलोग्राम. तो अब हमारा ये तो प्रूफ हो गया कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेलोग्राम है. टू प्रूव इट रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है कि इनका एक एंगल एटलीस्ट जो है वो 90 है. एक एंगल 90 होगा तो अपोजिट एंगल्स 90 एंड देन एडजेसेंट एंगल्स दोज ऑल्सो विल बिकम 90 डिग्री एंड ऑल एंगल्स आर 90 सो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल. सो फॉर दैट आई एम जॉइनिंग हियर दिस डी बी लेंथ एंड लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट एम एंड पॉइंट एन. नाउ इफ विल कंसिडर दिस क्वाड्रिलेटरल ओ एम क्यू एन, दैट इज दिस ग्रीन क्वाड्रिलेटरल वी आर कंसिडरिंग हियर. इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखेंगे तो आपका जो एन क्यू लेंथ है ना, देखिए पूरा पी क्यू लेंथ दैट इज पैरेलल टू ए सी, सो वी कैन से एन क्यू लेंथ इज पैरेलल टू ओ एम. एंड सेम लॉजिक वी कैन से दैट आपका जो आर क्यू है वो डी एन के पैरेलल है, इसलिए एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन. एंड वी कैन कंक्लूड कि क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स यहाँ पर पैरेलल है, सो वी कैन से दैट दिस ग्रीन फिगर दैट इज ओ एम क्यू एन इज अ पैरेलोग्राम. और ओ एम क्यू एन जो है वो पैरेलोग्राम है, दस आपका जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. सो वी कैन से हियर एंगल एम क्यू एन दैट इज दिस एंगल हियर एंड एंगल एन ओ एम दैट इज दिस एंगल दे आर इक्वल. लेकिन हमें पता है कि एन ओ एम जो है दिस एंगल दिस इज 90 डिग्री. ये 90 क्यों है, क्योंकि डायगनल्स ऑफ रॉम्बस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. सो फॉर दैट दिस एंगल इज 90. तो क्योंकि एन ओ एम जो है वो 90 है, दस वी कैन से एम क्यू एन जो एन ओ एम के इक्वल है तो वो भी 90 डिग्री होगा. एंड नाउ वी कैन से दैट अ पैरेलोग्राम विद वन ऑफ द एंगल एज 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल एंड दस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड दैट्स वॉट वी हैड टू प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड. चलें जी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहां पर हमें प्रूफ करना है कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर फॉर्म होगी दैट विल ऑलवेज बी अ रॉम्बस. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ड्स गिवन टू अस. गिवन टू अस इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड
पी क्यू आर एस दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड लेंस एंड वट वी हैव टू प्रूव इज दैट पी क्यू आर एस इज अ रॉम्बस. नाउ टू प्रूव इट लेट्स फर्स्ट डू सम कंस्ट्रक्शन हियर. फॉर दैट विल ज्वाइन ए सी हियर एंड डी बी लेंथ हियर. नाउ प्रेजेंटली वी नीड ओनली ए सी लेंथ, सो फॉर टाइमिंग लेट्स रिमूव दिस डी बी लेंथ. नाउ लेट्स चेक द प्रूफ ऑफ इट. फॉर दैट विल कंसिडर द ट्राइंगल डी ए सी फर्स्ट, दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग. इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो एस एंड आर दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी ए एंड डी सी. एंड बाय मिड पॉइंट थियरम हम बोल सकते हैं कि वेन वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑफ द साइड लेंस ऑफ अ ट्राइंगल देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. नाउ सेम थिंग विल अप्लाई फॉर ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज दिस पिंक ट्राइंगल. इस पिंक ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो पी एंड क्यू दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लेंथ ए बी एंड बी सी. एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट व्हेन वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ टू ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल तो जो लाइन फॉर्म होगी दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड. अब ये जो दो ऑब्जर्वेशन है अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो पहला जो एस आर है और पी क्यू है दोनों ही ए सी के पैरेलल है तो वी कैन से दैट एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर. सेकेंड इज जो एस आर और पी क्यू हैं दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के बराबर हैं तो वी कैन से एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू. नाउ व्हेन वी हैव गॉट इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ये जो पी क्यू आर एस है इसमें जो आपका पी क्यू है और आर एस है दे आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल टू इच अदर सो वी कैन से पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम. लेकिन हमें तो प्रूव करना है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. उसके लिए वील जॉइन दिस डायगनल डी बी हियर. नाउ इफ वील कंसिडर द ट्राइंगल बी सी डी दैट इज दिस ग्रीन ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट इसमें जो है जो Q और R हैं दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लेंथ बी सी एंड सी डी. एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि जो QR लेंथ है सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR लेंथ विल बी हाफ ऑफ BD. सो QR इज हाफ ऑफ BD. बट ये जो फिगर है ABCD ये तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं दोज आर इक्वल इन लेंथ तो AC और BD जो है वो इक्वल है. AC का हाफ दैट इज PQ, BD का हाफ दैट इज QR. तो अगर AC और BD इक्वल है तो उनकी हाफ लेंथ भी इक्वल होंगी सो वी कैन से दैट PQ इज इक्वल्स टू QR. और PQRS एक पैरेलोग्राम है जहां पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं सो अ पैरेलोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज नथिंग बट अ रॉम्बस. तो PQRS इज अ रॉम्बस और यही हमें प्रूफ करना था हेंस प्रूफ्ड. चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहां पर हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम जहां पर साइड लेंथ ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर और हमें गिवन है ई जो है वो मिड पॉइंट है डी ए का दैट मीन्स द लेंथ डी ई एंड ई ए आर इक्वल. ये जो मिड पॉइंट ई है यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ई एफ विच इज पैरेलल टू ए बी एंड डी सी. अब हमें यहां पर प्रूफ करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है ई एफ इसमें जो पॉइंट एफ है दैट विल बाइसेक्ट बी सी. सो बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट जो आपका सी एफ लेंथ है और एफ बी लेंथ है दे विल बी इक्वल. लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट. प्रूफ के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रिज्यूम करते हैं ये जो ई एफ है ये इस डायगनल डी बी को इट विल बाइसेक्ट एट पॉइंट इट विल मीट एट पॉइंट जी. नाउ इफ विल कंसिडर दिस येलो ट्राइंगल हियर इस ट्राइंगल में ई जो है वो मिड पॉइंट है डी ए का एंड EG जो है वो पैरेलल है AB के. सो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल
पैरेलल टू द सेकेंड साइड देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमने डी ए के मिड पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो है वो डी बी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी एंड दस वी कैन से जी इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी और डी जी लेंथ इज इक्वल टू जी बी लेंथ। नाउ इफ विल कंसिडर द ट्राइंगल बी सी डी दैट इज दिस पिंक ट्राइंगल हियर, इसमें आपका जो है जी जो है वो मिड पॉइंट है डी बी का एंड जो जी एफ है दैट इज पैरेलल टू डी सी। अगेन बाय मिड पॉइंट थियरम व्हेन वी आर ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकेंड साइड देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी और बी एफ इज इक्वल टू एफ सी एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पर हमें गिवन है ए बी सी डी इट्स अ पैरेललोग्राम एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इट्स मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ई बी एंड डी एफ इक्वल टू एफ सी, दैट्स गिवन टू अस। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दिस ए एफ एंड ई सी, दीज टू लाइन ट्राइसेक्ट्स द डायगनल डी बी। तो ये डायगनल डी बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये हमें प्रूफ करना है। लेट्स चेक द प्रूफ ऑफ इट। क्योंकि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। वाई सो? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इनके हाफ की बात करेंगे तो हाफ के साथ ऑल्सो इट विल बी ट्रू। ए बी का हाफ दैट इज ए ई एंड डी सी का हाफ दैट इज एफ सी। सो वी कैन से ए ई इक्वल्स टू एफ सी एंड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, राइट? बिकॉज इट्स ट्रू फॉर बोथ ए बी एंड डी सी। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल योर ए ई सी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड हैं ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो यहां पर वी कैन से दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ए एफ है और जो ई सी है दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पर अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं डी सी क्यू, दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग, इस येलो ट्राइंगल में एफ जो है वो मिड पॉइंट है एंड एफ पी अगर आप देखेंगे तो एफ ए एंड सी ई पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ दैट दैट इज एफ पी एंड सी क्यू दे विल ऑल्सो बी पैरेलल, राइट? और यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है एफ पी देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो वी आर अप्लाइंग हियर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम टू से दैट एफ पी जो है वो डी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू और डी पी लेंथ जो है वो पी क्यू लेंथ के बराबर है। And why is that so? By using converse midpoint theorem, कि अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। सेम लॉजिक नाउ विल अप्लाई इन ट्राइंगल ए पी बी दैट इज दिस ग्रीन ट्राइंगल। इस ग्रीन ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे सेम लॉजिक इज देयर, ई जो है वो आपका मिड पॉइंट है ए बी का और ए एफ एंड ई सी पैरेलल है, फॉर द सेम रीजन ए पी एंड ई क्यू विल बी पैरेलल। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए पी एंड ई क्यू आर पैरेलल, और ये पैरेलल क्यों है? बिकॉज ए एफ एंड ई सी आर पैरेलल। अब यहां पर अगेन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे एंड विल से दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी विल से दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, that is PQ and QB length are equal. And why so?
बिकॉज ऑफ कन्वर्स मिड पॉइंट थियरम। और ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है dp इक्वल्स टू pq, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है दैट इज pq इक्वल्स टू qb। इन दो ऑब्जर्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे विल गेट dp इक्वल्स टू pq इक्वल्स टू qb, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट C, एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, एंड थर्ड पार्ट गिवन टू अस इज MD इज पैरेलल टू BC। और हमें यहां पर जो प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट इज D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, सेकेंड इज ये जो MD है दिस इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव इज ये जो लेंथ है आपका MC और CM दैट इज इक्वल्स टू MA, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। फर्स्ट प्रूफ के लिए हम ट्राइंगल ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पर आपका जो है M जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड गिवन क्या है हमें MD इज पैरेलल टू BC। सो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम दैट इज कि अगर हम एक साइड ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमने AB के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, दैट इज AD एंड DC विल बी इक्वल, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट वाज फर्स्ट थिंग विच वी हैड टू प्रूव। सेकेंड पार्ट जहां पर हमें प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो हमें गिवन है MD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, और यहां पर AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, और ये जो है एंगल C और एंगल D, दिस बिकम्स योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दिस एंगल इज 90 degree, और वी कैन से MD इज परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड पार्ट उसमें हमें प्रूव करना है CM एंड MA दिस लेंस आर इक्वल। सो उसके लिए हम दो ट्राइंगल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट इज दिस पिंक ट्राइंगल हियर, एंड सेकेंड इज दिस ग्रीन ट्राइंगल हियर। इन ट्राइंगल्स में AD और DC ये इक्वल है, क्यों? बिकॉज ऑफ आर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट प्रूफ AD इक्वल्स टू DC। एंड सेकेंड पार्ट इज ये जो एंगल है ADM एंड एंगल CDM ये इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। थर्ड इज योर DM लेंथ, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। सो यहां पर वी कैन से कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से द ट्राइंगल्स ADM एंड CDM आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दस बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दैट इज AM एंड CM, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, एंड दस दे आर इक्वल। बट M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो यहां पर हम बोल सकते हैं AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ AB, एंड दिस वॉज द थर्ड पॉइंट विच यू हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2 आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।